हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास 24। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मॉर्निंग डेली मॉर्निंग में 7:15 पे 7:20 पे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पे हम लोग कवर करते हैं डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जहां पे हम लोग इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, पीआईबी, पीआरएस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है किसी भी न्यूज़पेपर से, वो सब हम लोग कवर करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे, सो दैट आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, आपके दोस्तों के अंदर, हर जगह पे जो है सभी को एक अच्छा सेशन मिल सके, सभी लोग अपनी नॉलेज को डे बाय डे इंप्रूव कर सके। और अगर आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है तो यकीन मानिए आपकी लाइफ के अंदर बहुत वैल्यू एड ऑन हो रही है, और वैल्यू एड ऑन मतलब होने का मतलब है सक्सेस लाइफ में, ग्रोथ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आज है 10th of December, नेशनल ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी है। तो हम लोग काफी सारे कॉन्टेंट है, काफी सारी चीजें हैं जो कि हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आर्टिकल्स के बारे में बात करूं, तो मैंने इसको अपडेट नहीं कराया, भूल गया मैं इसको अपडेट करना, लेकिन नियर बाय इतने आर्टिकल्स होंगे। ठीक है, नियर बाय इतने आर्टिकल्स होंगे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करें, तो सबसे पहले कल मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन दिए थे। 2020 का सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन आया हुआ था आरबीआई को लेकर, कि जब आरबीआई एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है तो वो क्या नहीं करता है। एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मनी जो है वो मार्केट में ज्यादा भेजना चाहता है, ज्यादा भेजना चाहेगा, ओके, तो वो कभी भी जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जो कि एक तरीके से इमरजेंसी पैसा देता है जब आरबीआई किसी भी बैंक को उसकी लिक्विडिटी के लिए, उसको इंक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज करेगा तो मनी मार्केट में पहुंच नहीं पाएगा। तो ये बी दोस्तों, कभी भी आरबीआई ऐसा नहीं करेगा। रेपो रेट और बैंक रेट को कट जरूर करेगा ताकि ज्यादा लोग लोन ले, ज्यादा मार्केट में पैसा पहुंचे, है ना। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो को भी कट करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा ताकि और लिक्विड मनी मार्केट में पहुंच सके, लेकिन ये सेकंड वाला काम कभी भी नहीं करेगा। तो आपका आंसर यहां पे सेकंड है, जो कि हो जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो, मंडे को 8 बजे से क्लास होने वाली है। मंडे को क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, चलो बताता हूं आपको मैं कुछ चीजें, आपको मंडे को क्या क्या होने वाला है। मंडे को कई सारे चेंजेस है जो कि करंट अफेयर सेशन में होने वाले हैं। सबसे पहले तो क्लास जो है वो अपनी 8 AM पे होगी। क्लास जो होगी उसके अंदर हिंदी साथ में इंग्लिश दोनों कंटेंट है जो कि होने वाला है, और डिटेल के अंदर है जो कि हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। साथ में मैं आप लोगों के लिए कुछ एक एनिमेशंस, वीडियोस, जो जो चीजें हो सकती है वो मैं आप लोगों के लिए ऐड करने वाला हूं कंटेंट में, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा तो ज्यादा एफर्ट आप लोगों के लिए इस वाले पार्ट में मैं लगा पाऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैक्सिमम शेयर करना है अपने दोस्तों को, ताकि और भी लोग हैं जो कि ज्वाइन कर सकें। ठीक है, 8 बजे वाली क्लास वापस से मंडे को स्टार्ट करते हैं, और वापस से जो है वो शेयर वेयर करते हैं ना अपने सभी सारे ग्रुप के अंदर, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हम लोग जो है हर एक कॉन्टेंट को कवर करेंगे। ऑलराइट, सुबह 8 बजे क्लास होगी। टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, वही अपना 40 to 45 मिनट का है, जो कि अपन इसके क्लास की टाइमिंग को जो है वो रखेंगे। मैं बहुत ज्यादा टाइम को एक्सटेंड करने में बिलीव नहीं रखता हूं, क्योंकि आई नो कि आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर आप 1.5 घंटा 2 घंटा सिर्फ करंट अफेयर में दे रहे हो तो इट इज नॉट, मुझे लगता है कि राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। 1 घंटे से कम अगर आप करंट अफेयर दे रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, 1 घंटे से ज्यादा है जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे तो इतना ही हम लोग मैक्सिमम 50 मिनट के आसपास है जो कि हम लोग कवर करेंगे, और उसके अंदर मैं आपको इतनी डिटेल और इतना कंटेंट है जो कि हम लोग कवर करेंगे न्यूज़पेपर के थ्रू, वो हमेशा बहुत ही इमेंस होगा। ठीक है, तो 8 बजे क्लास होगी, सारे दोस्तों को शेयर कर देना। कब से होगी, मंडे से होगी। ऑलराइट, तब तक मेरा भी एक्सरसाइज मेडिटेशन जिम विम सब कंप्लीट हो जाएगा, और 8 बजे फिर हम लोग जो है वो क्लास करेंगे। अभी ऐसा होता है कि अभी ये क्लास के बाद में फिर मेरे को जाना होता है, अभी क्या होगा कि ये सब मेरा भी जो है आधा घंटा पौन घंटा जो है वो निकल जाएगा, 45 मिनट 50 मिनट टाइप, है ना। चलो, तो इस क्वेश्चन का एक और 2015 में एक और सवाल पूछा गया था, जो कि था आपके इंडियन इकोनॉमी को लेकर, रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी किससे संबंधित है। तो देखिए भाई, बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है, लेकिन ये दोनों मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित नहीं है, तो 1 और 2 आपका सही आंसर होगा। एक सवाल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, क्या नहीं कर सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, तो ये सारे काम कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कम कर सकता है, शॉर्ट स्टोरी सॉन्ग को मीनिंगफुल बना सकता है, है ना, डायग्नोसिस कर सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन कर सकता है, वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकता है, सब कुछ तो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। डी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ऑलराइट, इसके अलावा अवतार बस CHSL का दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, और मात्र 999 रुपीज के अंदर आपको ये अवेलेबल है,
जहां पे कंप्लीट कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज आपको 600 घंटे का कोर्स है जो कि अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आपके मंडे से जो है ना आपके T2 जो है CGL का Tier 2 जो है उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अवतार बैच के कुछ बेनिफिट्स हैं और आपको क्लास 24 ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद में यहाँ पे SSC में जाइए, CHSL में जाइए और यहाँ पे CHSL अवतार वाले पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ALP का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्माइल फ्रॉम को आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए वॉलंटियर या फिर एज ए हैप्पीनेस सब्सक्राइबर। आज का कोट ऑफ द डे है दोस्तों, असफलता मुझे स्वीकार है किंतु प्रयास न करना स्वीकार नहीं है। ये यार ये मेरी लाइफ का कुछ कोट है, ऐसा मान के चल लो कि फेलियर से मेरे को कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं हुई है। फेलियर तो ऐसा है कि बहुत बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, तो कभी भी लोड नहीं लिया इस चीज का तो कि भाई फेल हो जाएंगे क्या, फेल ही तो होंगे, कोई बात नहीं, अगली बार वापस ट्राई करेंगे, वापस सीखेंगे, वापस आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मुझे कभी फेलियर से मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जितने फेलियर मैंने देखे मेरे ख्याल से शायद जिंदगी में किसी ने देखे भी नहीं होंगे। बीटेक के अंदर मैंने 100+ टाइम्स फेलियर देखा है अपने एग्जाम के अंदर ही। ओके, जब लोग छोड़ देते हैं उसके अंदर बीटेक, फिर भी मैंने करी है, कैसे भी करके करी है और वो भी एक साल के अंदर करी है। तो फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है जिंदगी में। आप जो बनना चाहते हो अगर आपने वो ट्राई नहीं किया, अगर आपने उसको लेकर कोशिश नहीं करी, तो यकीन मानिए एक ही जिंदगी है, उसमें रिग्रेट नहीं रहने चाहिए, है ना। रिग्रेट तब रहते हैं तब आप किसी चीज को लेकर कोशिश नहीं करते हो, और जब आप जो चीज चाहते हो ना उसको आप पूरी एनर्जी लगाते हो यार, तो आपका काम का जो लेवल है वो भी बहुत ऊपर हो जाता है। ओके, कल भी रात को मैं 2 बजे सोया हूँ, आपको लगता है ऐसा फील होता है कि अभी 8:15 2-3 बजे मैं सोया हूँ, फिर भी आपको ये क्लास कर रहा हूँ, रात को ही मैंने कुछ कॉन्टेंट बना लिया था, सुबह कुछ कॉन्टेंट बनाया, नहीं फील होगा, क्योंकि जब आपको जो करना है वो करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ये अपना चैनल है जहां पे आपको करंट अफेयर्स के मैंने कुछ वीडियोस अवेलेबल करवाए हैं, नवंबर का वन लाइनर आपको यहां पे मिल जाएगा। द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो सबसे पहले यहां पे बात करेंगे दोस्तों तमिलनाडु के अंदर साइक्लोन मेंडोस है जो कि देखने को मिला है, थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। यहां पे हिमाचल के अंदर CM को लेकर गुत्था है जो कि कांग्रेस हो रही है, देखते हैं कौन बनता है। इसके अलावा कोलेजियम का जो फाइनल डिसीजन होगा वो पब्लिक डोमेन के अंदर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई हमारा जो भी कोलेजियम का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, तो ये 5 लोगों की कोलेजियम होती है जो कि जजेस बनाती है ना, सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर करना हाई कोर्ट के जजेस को, ये सारा काम यही करती है। तो इन्होंने बोला कि जो भी डिसीजन होगा उसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसको छुपाएंगे या बताएंगे नहीं, है ना। पहले ऐसा होता था कि ये डिसीजन ले लेते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था पब्लिक के अंदर, और गवर्नमेंट ने इसको लेकर कई बार बात बोली है कि सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है चलो ठीक है आपको यही तो प्रॉब्लम है तो हम पब्लिक डोमेन में डाल देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है, बात खत्म, लेकिन चेंज नहीं करेंगे कोलेजियम सिस्टम, है ना। चलो ये वाली बात हो गई है। यहाँ पे RLD के जो चीफ है कुछ खास नहीं है, लखीमपुर खेरी के विक्टिम्स को लेकर है, जो एक्सेंट हुआ था उसको लेकर है। यहां पर भी दोस्तों एक दिल्ली हाईकोर्ट के लेकर जजमेंट को लेकर है, कुछ खास नहीं है। तो आपका फ्रंट पेज पे बात करें तो यही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो साइक्लोन मेंडोस, ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, ये नाम दिया गया है किसके द्वारा, UAE के द्वारा ये नाम है जो कि दिया गया है। ममलापुरम चेन्नई के पास में 10 बजे रात को फ्राइडे को काफी इंटेंस रेन है जो कि कोस्टल एरियाज में तमिलनाडु में देखने को मिली। स्पीड की बात करें 14-15 किलोमीटर पर आर की तेज स्पीड और 85 किलोमीटर तक की तेज स्पीड आपको पुडुचेरी और बाकी जगह पे आंध्र प्रदेश के जो सदर्न कोस्ट है वहां पर सब में एरिया में देखने को मिली। कई सारे फ्लाइट डिले हो गई, कई सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, कई सारे लोगों को सेफ जगह पे पहुंचाया गया। NDRF के दोस्तों 500 जवान है जो कि डिपोर्ट करे गए। ओके, तो आप देख सकते हो काफी तेज इंपैक्ट है जो कि देखने को मिला है। अब ये साइक्लोन होते क्या है नॉर्मली समझने की कोशिश करिए, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आपको लर्न विद भुवनेश्वर पे दिया था, नहीं देखा है तो देख लेना। देखो मेट्रोलॉजी के अंदर साइक्लोन का मतलब क्या होता है, एक रोटेटिंग विंड्स होती है ना, जहां पर भी लो प्रेशर होता है और जहां पे कोरोलस इफेक्ट होता है, तो लो प्रेशर होने से तो दोस्तों साइक्लोन का बिल्ड होता है, और जब वो ऐसे घूमता है ना, घूमता है कोरोलस इफेक्ट की वजह से, है ना, जो फोर्स होता है उसकी वजह से। और नॉर्दर्न एम्बेस्फेयर में अगर ये हमारी अर्थ है तो नॉर्मल नॉर्दर्न एम्बेस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा, सदर्न एम्बेस्फेयर के अंदर क्लॉकवाइज होगा। ठीक है गाइस, नॉर्दर्न एम्बेस्फेयर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न एम्बेस्फेयर में क्लॉकवाइज होगा। ओके, और बहुत ज्यादा एनर्जी है जो कि चाहिए होती है लो प्रेशर एरिया के अंदर। हर साल हम लोग पूरी दुनिया में नियर बाय 70 से 90 के आसपास साइक्लोन है जो कि देखते हैं। ये सरफेस के ऊपर जो है ना लो प्रेशर सिस्टम बिल्ड होता है और ये फोर्स है कोरोलियस फोर्स। ऑलराइट, अब देखो पता है बड़ी बात क्या है कि आपको कभी भी इक्वेटर के आसपास है ना कभी भी आपको साइक्लोन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई साइक्लोन, क्योंकि यहां पर 0 कोरोलियस फोर्स है जो कि देखने को मिलता है।
तो इक्वेटर के आसपास कभी भी साइक्लोन नहीं मिलेगा क्योंकि ये फोर्स ही नहीं होता, तो घूमता ही नहीं है इस तरीके से। बाकी अगर आपका जो ऊपर वाला बेल्ट है ट्रॉपिकल वाला रीजन है, यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ इक्वेटर के, ये आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कौन नाम देता है साइक्लोन्स को? तो देखिए क्या है कि नाम देने की बात ऐसी है, जब भी 34 नॉटिकल माइल्स पर आवर की स्पीड से अगर साइक्लोन आता है तो उसको नाम देना कंपलसरी है। कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा अगर 34 नॉटिकल माइल्स पर आवर की स्पीड से अगर विंड चल रही है तो। अगर 74 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाए तो उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, हरिकेन, या फिर हम उसको टाइफून, या फिर हम उसको साइक्लोन भी कहेंगे। 34 पे तो नाम रखना जरूरी है, 74 पे वो हरिकेन, साइक्लोन या टाइफून है जो कि बन जाएगा। पूरी दुनिया में दोस्तों 6 रीजनल सेंटर्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे, कई सारे कंट्रीज उन एक रीजनल सेंटर में होते हैं जो कि उस जगह का नाम है जो कि डिफाइन करते हैं, है ना। हम इनको क्या बोलते हैं, RSMCs कहते हैं, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। अब ये RSMCs के अंदर एक हमारा दोस्तों इंडियन ओशन और हमारा जो अरेबियन है, अरेबियन सी है, इस वाले एरिया के अंदर कौन सा IMD है। तो IMD इस दोनों एरिया के अंदर जो भी साइक्लोन होते हैं उसका नाम रखता है। और ऐसा नहीं है, हम लोग हमारे जितने भी आसपास के जो कंट्रीज है ना उन सबसे हम लोग कई सारे नाम का रिकमेंडेशन लेते हैं। तो जैसे जैसे होता रहता है साइक्लोन उस तरीके से एक एक कंट्री का नाम हम लोग उसका रखते रहते हैं। जैसे इस बार जो टर्न आया वो UAE का है, UAE का नाम है जो कि हमने दिया गया है। तो दुनिया भर में 6 RSMCs है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। WMO और कमीशन ने मिलकर 2000 के अंदर इसकी शुरुआत करी थी, और इंडियन ओशन के अंदर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के अंदर आपको IMD है जो कि ये नाम रखता है। इसकी जो एडवाइस आती है वो हमारे 12 नेशन से आती है, जो हमारे 12 नेशन है ना आसपास के जो कंट्रीज है, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, नेपाल, ये सब जो है वो रिकमेंडेशन है जो कि नाम की देते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मेशन की बात करें तो 6 ऐसे मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से? एक तो वार्म होना चाहिए टेम्परेचर, सरफेस का जो सी का टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, पहला फैक्टर। दूसरा है कि जो एटमोसफेयर है वहां पर स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, डिस्टर्बेंस होना चाहिए उस एरिया के अंदर, है ना, और साथ में विंड शियर जो है वो लो होना चाहिए। तो ये 6 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बाद में साइक्लोन का फॉर्मेशन है जो कि होता है। सेंटर वाले को आई कहते हैं, उसके बाद में आई वॉल है, और ये जो घूमता है इसको रेन बैंड से जो कि हम लोग कहते हैं। समझ गए? यहां पे आप देख सकते हो कई प्रकार के आपको साइक्लोन है जो कि दुनिया में अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, फिर आपके सेवियर साइक्लोन आता है, और एक बहुत ही खतरनाक आता है जिसको हम लोग सुपर साइक्लोन है जो कि कहते हैं। ठीक है, अगर 74 माइल्स पर आवर की स्पीड से कम है तो उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से होता है। अगर 120 माइल्स पर आवर तक की स्पीड हो जाए तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, साइक्लोन, यानी कि सेवियर साइक्लोन कहेंगे। और 120 से भी ऊपर पहुंच जाए तो फिर आप सोच ही सकते हो, जो है कौन सी मूवी देखी है आपने, मूवीज में जो तबाही आती है उस तरीके से, तो वो हमारा कौन सा है, सुपर साइक्लोन है, अगर इतनी तेज स्पीड है जो कि बढ़ जाए तो। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि दुनिया के कौन से लोकेशन में आया है, उसका नाम कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग हरिकेन, टाइफून ये भी नाम देते हैं। ये देखिए इस तरह के कई सारे खतरनाक साइक्लोन है जो कि बहुत जगह पे हमको देखने को मिलते हैं। अब देखो क्या होता है कि 3 तरीके के नाम है, साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून, मेजरली और भी लोकल लेवल पे भी कहते हैं। जैसे कि अगर इस एरिया में देखने को मिला आपको अमेरिका की कोस्ट के ऊपर तो आपको हरिकेन कहा जाएगा इस साइक्लोन को। अगर इंडियन ओशन के आसपास बे ऑफ बंगाल इधर अगर देखने को मिला तो साइक्लोन, और इधर वाले एरिया में टाइफून, जो जापान वाला एरिया है यहां पे आपको टाइफून है जो कि हम लोग कहेंगे, और इंडियन ओशन के अंदर हम इसको नॉर्मली साइक्लोन है जो कि कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से नाम का डिविजन है जो कि होता है। अब क्या है कि जो रीजनल एरियाज है, जैसे कि जापान है, जापान में इसको टाइफू कहेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया में ये देखने को मिला, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये देखने को मिला तो ऑस्ट्रेलिया में इसको हम लोग क्या कहेंगे, विली विली नाम है जो कि हम लोग कहेंगे। तो इस तरीके से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसका फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है जो कि मेंटेन करना पड़ता है नियर बाय। और चाइनीज सी में हम इसको टाइफून कहेंगे। ये देखिए जापान पे टाइफू, मगाओ फिलीपींस में, USA में टाइनाडोस भी कहते हैं। तो ये कुछ लोकल नेम भी यहाँ पे यूज करे जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे एक NDRF करके फोर्स है जो कि साइक्लोन के अंदर काम करती है ना, साइक्लोन के अंदर काम करती है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसके द्वारा दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया। दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और चीफ एग्जीक्यूटिव अभी कौन है, अतुल सिंह करके हैं जो कि अभी इसके, अतुल कारवाल करके जो कि अभी इसके हेड है।
उसी प्रकार से आईएमडी है जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करती है और ये देखती है कि भाई क्लाइमेटर हमारा क्लाइमेट कैसा है, हमारे यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग कैसे होगी, तो ये पूरा काम देखती है। 1875 में फॉर्मेशन हुआ, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये भी काम करती है। पेज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बात करेंगे विक्रम साराभाई सेंटर को लेकर और साथ में एक और इशू था यहाँ पे आईयूसीएन की रेड लिस्ट को लेकर, दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। तो सबसे पहले तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट देखते हैं। देखो अभी रिसेंटली हमारे 3 ऐसे प्लांट है जिनको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में डाला गया है, 3 मेडिकल प्लांट्स है जो कि हिमालयन वाले बेल्ट में देखने को मिलते हैं लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, इसकी वजह से इनको अभी रिसेंटली डाला गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले तो दोस्तों पिलेटा करके है, ये देखिए ये वाला जो है ना ये वो पिलेटा है। पिलेटा को नॉर्मली पतवा भी कहते हैं और छोटा सा प्लांट है, नॉर्मली उत्तराखंड में देखने को मिलेगा आपको। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको डाला गया है क्योंकि इसका एरिया दोस्तों 10 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम हो गया है। नॉर्मली डिफॉरेस्टेशन की वजह से, हैबिटेट कम होने की वजह से, फॉरेस्ट में आग लगने की वजह से इसकी पॉपुलेशन कम हो गई है। ये आपको जो पतवा है, ये आपको इसकी जो लीव्स होती है ना पत्तियां, इससे ऑयल बनता है जो कि बहुत ज्यादा काम आता है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है। अब इसकी पॉपुलेशन कम हो गई है तो हमने इसका आईयूसीएन की रेड लिस्ट में हमने इसको ऐड कर दिया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में। उसी प्रकार से एक और है सिरहौसा, या सिरहौसा यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ नहीं है, तो ये भी छोटा सा प्लांट है और ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, हाँ इसका पॉपुलेशन जो है सेकंड वाले की वो भी 30% से जो है वो कम हो गई है ना। और इसका जो कारण है वो है एक तो जर्मिनेशन प्रोसेस बहुत ही कम हो रहा है, ट्रेड वैल्यू जो है सेकंड वाले की बहुत ज्यादा हो गई है, लोग इसको इल्लीगल ट्रेड करने लग गए हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है जो कि आ गई है। जब ब्रोंकाई की जो डिजीज होते हैं उसके अंदर इसको काफी काम में लिया जाता है सिरहौसा को, समझ गए मेरी बात, और जो भी डिसऑर्डर होते हैं निमोनिया होता है उसके अंदर इसको काम में लिया जाता है, तो इलीगल ट्रेड की वजह से इसकी पॉपुलेशन कम हो गई है। तीसरे वाले की बात करें जो यहाँ पे आप देख सकते हो हेटागेरिया करके इसका नाम है ना, इसको भी थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में डाला गया है, हैबिटेट लॉस है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ये जो अपनी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है ना इसके अंदर दोस्तों इस तीसरे वाले को हेटागेरिया को काफी काम में जो कि लिया जाता है, तो वहां से भी इसकी पॉपुलेशन जो है वो काफी कम हो गई है। अगर गैस की इश्यू है, क्रॉनिक फीवर है, कफ है, स्टमक के अंदर अल्सर एक्नेस है, तो उस वाले केस के अंदर जो है इसको काम में लिया जाता है, समझ गए। अब ये तो था जो हमारे कौन से ऐसे 3 प्लांट है जिसका मतलब पहला तो है पिलेटा, दूसरा है हेटागेरिया, तीसरा है आपका सिरहौसा। ये 3 नाम के प्लांट है, तीनों का यूज बता दिया, कहां पर मिलते हैं, कैसे इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, क्या इनके यूजेस है, ये सब हमने कर लिए। अब बात करते हैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट के बारे में। पूरी दुनिया में दोस्तों 1 मिलियन से भी ज्यादा स्पीशीज आपको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में देखने को मिलेंगे, है ना। उसमें से 28,000 स्पीशीज तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट वाले कगार के ऊपर है, मतलब ये है कि दुनिया से जाने वाले हैं वो कुछ सालों के अंदर हमें देखना बंद हो जाएंगे। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे चीता गायब हुआ है, एक्सटिंक्ट हुआ था, वैसे ही 28,000 तो दुनिया से जाने वाली कगार पर है अगर अपन ने उनको नहीं रोका तो। जैसे कि जापान के अंदर वहां पे फ्रेश वाटर के अंदर फिशेस है एक, वो 50% तक कम हो गई है। अब सोचो 50% पॉपुलेशन डिक्लाइन होना कोई मजाक थोड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं मतलब। ओके, यहाँ पे इसमें से नियर बाय 900 तो ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुकी है और 6,000 के आसपास बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी के अंदर है। आईयूसीएन की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसमें गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करती है। 1948 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ और स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और ये एक रेड लिस्ट बनाती है। आईयूसीएन एक रेड लिस्ट की कैटेगरी बनाती है जिसमें पूरा डेटाबेस होता है ना। आईयूसीएन की ये रेड लिस्ट तो थी जो मैं बता रहा था जिसमें 1 मिलियन के आसपास स्पीशीज, 1 लाख के आसपास, सॉरी 1 मिलियन नहीं है, 1 लाख के आसपास स्पीशीज है जो कि इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें से 28,000 जो है वो ऑलमोस्ट एक्सटेंशन के कगार पर है, मतलब नियर बाय 30%। अब इसकी लिस्ट के अंदर कहां गई लिस्ट, हाँ वो लिस्ट गायब हो गई। 9 प्रकार की कैटेगरीज होती है इसके अंदर, है ना, नियर थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड है और एक्सटिंक्ट हो गई, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज है जो कि 9 प्रकार की होती है, तो उसके अलग अलग के अंदर उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है। आगे बात करते हैं विक्रम साराभाई को लेकर। विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है दोस्तों, उसको एक नया विंड टनल है जो कि मिला है, ट्रांसोनिक विंड टनल,
है ना, इसका इनॉग्रेशन है जो कि अभी रिसेंटली किया गया है तिरुवनंतपुरम के अंदर। अब ये काम क्या आएगा, बात ये है कि काम क्या आएगा, विंड टनल का रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये इसकी जो हमें रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं कि विंड टनल जो यूज होगा ना वो एयर के फ्लो को यूज करने के लिए काम आएगा। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर है, ये देखिए यहां पे, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एयर फ्लो ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने इसरो के रॉकेट है, स्पेस क्राफ्ट है, उसके ऊपर एयर का कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग मिशन करते रहते हैं, मिशन के अंदर एयर का इंपैक्ट होता ही होता है, नीचे से एयर ब्लो भी होती है ना, विंड भी आती है, तो उसका इंपैक्ट कितना मैक्सिमम हो सकता है, उसको पहले से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ताकि अगर मान लीजिए विंड स्पीड बढ़ गई तो आपके एयरक्राफ्ट के लॉन्चिंग को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके एयरक्राफ्ट उसको झेल सके, है ना, रॉकेट्स में प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसको स्टडी करने के लिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर विंड की स्पीड को स्टडी करने के लिए बहुत बड़ा टनल है जो कि बनाया गया है। मतलब इसकी लेंथ देखोगे तो नियर बाय 150 मीटर की तो इसकी लंबाई है, और 5.5 मीटर का इसका वाइड पार्ट है जो कि देखने को मिलता है। तो काफी बड़ा इनिशिएटिव है और काफी अच्छा इनिशिएटिव है ना, ये आप देख सकते हो, इस तरीके से काफी लंबा चौड़ा है इसको बनाया गया है। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर, यहाँ पे फ्रंट पेज पे कल ब्राजील बाहर हो गया यार, बहुत बड़ी बात हो गई फीफा के अंदर, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर कल क्रोएशिया ने ब्राजील को आउट कर दिया क्वार्टर फाइनल के अंदर, और बहुत ही खतरनाक गेम है जो कि क्रोएशिया ने डिफेंस दिखाया, मतलब 1-1 से पहले तो बराबर रखा, उसके बाद में पेनल्टी शूट आउट हुआ तो वहां पे 4-2 से निकाल दिया ब्राजील। नेमार यहाँ पे आप देख सकते हो, बड़ी टीम के ऊपर बहुत ही प्रेशर होता है यार, कितना खेलने से पहले वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें होती है उनसे, जो भी बड़ी टीमें होती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बात करते हैं मौलाना आजाद फेलोशिप को लेकर। देखो क्या होता था कि पहले है ना, एक फेलोशिप हुआ करती थी, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है हमारे यहाँ पे, जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन, जैन, पारसी और सिख, जिसको भी एमफिल या पीएचडी करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो कि यूजीसी के थ्रू क्या करता था, स्कॉलरशिप दिया करता था। ओके, आपको 20,000-30,000-40,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी। तो अभी ये स्कॉलरशिप जो है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो स्मृति ईरानी जी है, क्योंकि साज भी कभी बहुत थी, इनका ये कहना है कि ऑलरेडी बहुत सारी फेलोशिप है जो कि चल रही है, तो इसीलिए हम लोग माइनॉरिटीज के लिए इस वाली फेलोशिप को बंद कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए इसको काम में लिया जाता था। समझ गए मेरी बात। डाटा के हिसाब से दोस्तों, यूजीसी के द्वारा नियर बाय 7,500 कैंडिडेट को फेलोशिप में 2014 से 15 से लेकर 21 के बीच में जो है वो फेलोशिप दी गई, जिसमें 750 करोड़ रुपए का नियर बाय खर्चा है जो कि आया था। ठीक है गाइस, हालांकि कई लोगों ने मना भी किया कि भाई जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है, अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो रिसर्च कैसे करेंगे, है ना। तो 5 साल के लिए फेलोशिप है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल करवाई जाती है, ताकि लोग रिसर्च के अंदर काम कर सके, फेलोशिप कर सके, एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, उसके लिए मिलती है। ऑलराइट, जैसे कि यूजीसी नेट के लिए मिलती है ना, यूजीसी नेट एग्जाम देखा होगा आपने। ठीक है, तो यूजीसी नेट एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा आपको बता देता हूं। अगर आपने मान लीजिए बीकॉम कर लिया है, एमकॉम भी कर लिया है, या आपने एमए कर लिया है, या एमएससी कर लिया है, अब पीजी करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, अगर आपको देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है किसके लिए, पीएचडी करने के लिए, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यूजीसी नेट का एग्जाम है जो कि दे सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होता। नेट के अंदर जो 2% विद्यार्थी होते हैं उनको मिलता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। एक तो मिलेगा उप आईआईटी में एडमिशन, दूसरा आपको महीने के 40,000 रुपए भी मिलेंगे सरकार के द्वारा, और वो भी आने वाले 7 सालों तक मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं, रिसर्च करने के लिए। आप अपनी पीएचडी कर सकते हो, डॉक्टर भी लग जाएगा, समझ गए, साथ में डॉक्टर तो लोग लगा ही लेते हैं यार, ये तो पहला पर्पस होता है लोगों का, और साथ में अच्छी रिसर्च भी कर सकते हो, है ना। और अगर आपने मान लीजिए अपने थीसिस पूरे कर लिए, अच्छी रिसर्च करी है, तो फिर आपको जॉब तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी आपके पास इंडिया के बाहर जाने के भी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। ऑलराइट, अगर आपने नेट क्लियर कर लिया तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जाके लेक्चर दे सकते हो। अगर आपका मान लीजिए नेट के अंदर 6% बच्चों का नेट होता है, 2% का जेआरएफ होता है, तो अगर आपका जेआरएफ हो गया तो आपको सरकार पैसे भी देगी पीएचडी करने के। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम है, जिसकी तैयारी आप जेआरएफ अड्डा नाम के एक एप्लीकेशन है उससे कर सकते हो, वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। क्या नाम है, जेआरएफ अड्डा, ओके,
जेआरएफ अड्डा नाम से, अपनी एप्लीकेशन है कर लेना, ये यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत अच्छे टीचर्स है, सारे के सारे जेआरएफ वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में बात करते हैं, 134th बर्थ एनिवर्सरी अभी पिछले महीने इनकी मनाई गई, 11 नवंबर को दोस्तों हमारे यहाँ पे नेशनल एजुकेशन डे 2008 से मनाया जाता है, क्योंकि 11 नवंबर को उनका बर्थडे आता है। और हमारे देश के दोस्तों पहले कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, ओके, इनका जन्म मक्का के अंदर हुआ था 1888 के अंदर, बहुत ही ब्रिलियंट डिबेटर थे और अब्दुल कलाम जी, है ना, और अब्दुल कलाम का मतलब ही होता है लॉर्ड ऑफ डायलॉग्स, तो डायलॉग्स के अंदर ही बहुत अच्छे थे, अपने नाम के हिसाब से ही थे, ओके। उसके अलावा बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे, और एजुकेशन से बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे। 2012 के अंदर इन्होंने एक वीकली जर्नल लॉन्च किया अल हिलाल, उसके बाद इसको बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा, उसके बाद इन्होंने अल बलाग नाम का एक और लॉन्च किया जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लेकर बहुत अच्छी बातें थी, बहुत, और ये काफी फेमस भी हो रहा था, ब्रिटिशर्स ने फिर बंद कर दिया। फिर गांधी जी को ज्वाइन किया, इन्होंने गांधी जी से बहुत इंस्पायर हुए उनके काम से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद में बेसिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान की किताब लिखी, है ना, दर्द से वफा, इंडियन विन फ्रीडम, बहुत ही फेमस किताब है, ओके। उसके बाद 47 में फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने और 1958 तक उनके डेथ तक ये रहे। इनके टेन्योर के अंदर इन्होंने दोस्तों बहुत ही अमेजिंग काम किया, मतलब सच में एजुकेशन की बहुत नॉलेज थी इनको, और इंडिया को वेस्टर्न एजुकेशन के साथ में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसको लेकर इन्होंने काफी काम किया। इन्हीं के टेन्योर के अंदर हमारे यहाँ पे फर्स्ट IITs, ISC, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, UGC, ये सारे के सारे दोस्तों इन्हीं के टाइम पे फॉर्मेशन हुआ। IC, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, साहित्य अकेडमी, साहित्य नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी, ये सारे के सारे इन्हीं के टाइम पे बनाए गए। सोचिए इतने से कम टेन्योर में कितना कुछ बना के चले गए, और ये आज तक हमारे लिए प्रेस्टीज होती है, हमने पिछले 10-20 सालों में क्या क्रिएट किया, मतलब ये सोचिए, ये सारे के सारे पुरानी चीजें चल रही है, वो तो पहले के लोग बहुत इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग थे, इसके वजह से हो गया, अदरवाइज तो आज के जैसे होते तो हो जाता हमारा काम, ओके। चलिए, भारत रत्न से भी दोस्तों इनको नवाजा गया 1992 के टाइम पे। पहले वाले जितने भी लीडर्स अगर आप देखोगे ना, तो सच में अपनी फील्ड में बहुत ग्रेट थे। अगर आप पहला वाला कैबिनेट उठा लो, आप दूसरा कैबिनेट, तीसरा कैबिनेट, है ना, 1980-90 तक के अगर आप देखोगे, 2000 तक के भी अगर आप लीडर्स देखोगे ना, तो जो 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 पर्सन जो था वो अपनी फील्ड में बहुत महारत हासिल वाला पर्सन था। अगर कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना है अगर स्टार्टिंग में भारत के अंदर, तो सच में गांव से जुड़ा हुआ आदमी था, है ना, अगर कोई फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसको समझ थी सच में। आज के टाइम के जैसे नहीं, अब तो क्या हो चुके हैं कि अब तो पॉलिटिकल हो चुका है सब कुछ, कि जो मिनिस्टर जितना हंगामा मचाएगा उसको उतनी अच्छी कैबिनेट मिलेगी, ठीक है। चलो, एक और आर्टिकल आया जो कि सिटीजनशिप को लेकर है, 2011 से कितने भारतीयों ने सिटीजनशिप जो है वो गिवअप कर दी है, और कितने विदेशियों ने भारतीय सिटीजनशिप है जो कि ली है। तो ये डेटा है जिसके अंदर बताया गया कि 16 लाख भारतीय ने दोस्तों अपने देश में से सिटीजनशिप है जो कि पिछले 10-12 सालों के अंदर है जो कि गिव अप कर दी है। और ऑब्वियस बात है, सारे के सारे लोग टैलेंटेड थे, ये सारे के सारे लोग वेल ऑफ लोग थे जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुनिया के बड़े बड़े देशों के अंदर है जो कि जाके बस गए और इंडियन सिटीजनशिप इन्होंने गिव अप कर दी, है ना। हमें एक तो क्या है, ये लोग रोकने बहुत जरूरी है, यही वो लोग हैं जो कि हमारे यहाँ पे बहुत काम के लोग हैं, जो काम के नहीं है वो तो वैसे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग हैं जिनको हमें रोकना बहुत जरूरी है ना, ताकि देश के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके। चलिए, तो अब कितने लोगों ने दोस्तों भारतीय सिटीजनशिप अपनाई है, तो वो ये लोग हैं, ये देखिए 15, 113, 27, 42, और 2022 के अंदर 60 विदेशियों ने भारतीय सिटीजनशिप अपनाई है, और 1,83,00,000 लोगों ने दोस्तों सिटीजनशिप है जो कि गिव अप करी है, ओके। चलिए, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर ने पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी है, इसीलिए बस आपको एक आइडिया होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई है। अंकित बोल रहा है, मैं भी अपनी सिटीजनशिप गिव अप करके न्यूयॉर्क जाऊंगा अपने दोस्त के पास। बेटा, ऐसे सिटीजनशिप गिव अप नहीं होती है, आपने कहा कि पहले किसी दूसरे देश की मिलेगी तब आप गिव अप करते हो, स्टेटलेस वो बनना है क्या, रिफ्यूजी रहे, उधर की भी नहीं मिली और इधर की भी गिव अप कर दिया, ऐसा स्टेटलेस होके घूमना है क्या, कि कहीं के भी नहीं हूं मैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है यार, रिफ्यूजी वाला बनाना पड़ेगा फिर आपको, आपका पासपोर्ट भी, चलो जिसका वीजा भी नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा होता है कि जब दूसरे देश के लोगों को मिल जाती है बड़े देशों की, तो उसके बाद फिर लोग अपना गिव अप करते हैं। चलिए, ठीक है, ऑल राइट, आगे बात करते हैं जापान, यूके, इटली को लेकर, तीनों ने मिलकर दोस्तों एक खतरनाक जो है ना यहाँ पे एक जेट है जो कि बिल्ड किया है, आप देख सकते हो उसका डेमो। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने रॉयल एयरफोर्स के कमांडर्स के साथ में विजिट करा था,
और जापान, ब्रिटेन और इटली तीनों मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन के दोस्तों जेट फाइटर प्लेन जो कि बना रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। यूरोप और एशिया के इस तरीके की पार्टनरशिप है जो कि पहली बार देखने को मिली है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में, ठीक है, तो पहली बार। और ये डिफेंस कोलैबोरेशन जो है ये बहुत सालों बाद में देखने को मिल रहा है। एम क्या है कि 2035 तक जो है ना, ओके, एक इतने जबरदस्त ब्रिटिश के द्वारा जो एक कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट है जिसका नाम दिया गया है टेम्पेस्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम है एक्चुअली, ये ब्रिटिश प्रोजेक्ट है जिसको जापान और इटली है जो कि आगे लेके जा रहे हैं। तो जापान के अंदर एक इनका प्रोजेक्ट है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, तो ये जापान का प्रोजेक्ट है। तो जापान का प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को, यूके के प्रोजेक्ट को जो है वो आगे ले जाके साथ में मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं ताकि चाइनीज और साथ में रशियन दोनों के जो इन्वेजन है, दोनों के जो आज के टाइम पे इतना ज्यादा अटैकिंग वो लोग हो रहे हैं, तो उससे जो है इनके पास में फोर्स है जो कि काफी बेहतर बनी रहे, इसको लेकर इन्होंने लॉन्च किया। तो ये आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में इन तीनों के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दुनिया के टॉप 500 कंपनीज के अंदर, तो ग्लोबल अभी हुरूम की ग्लोबल 500 रैंकिंग है जो कि दुनिया की कंपनीज की आई है, जिसमें हमारी 500 में से कितनी है, 20 इंडियन कंपनीज है, समझ गए। और हम लोग अभी दुनिया में कौन से नंबर के ऊपर है, 5th नंबर के ऊपर है। दुनिया की टॉप 500 में हमारी 20 कंपनी है और सोचिए हम लोग 5th नंबर के ऊपर है। लास्ट ईयर दोस्तों हमारी कितनी कंपनी थी, लास्ट ईयर जो थी हमारी यहां पे मेरे ख्याल से 9 के आसपास थी, ठीक है। लास्ट ईयर हमारी 9th रैंक थी, रैंक हमारी 9th थी और 8 कंपनीज थी सिर्फ। इस बार अच्छी बात यह है कि 2021 से ये 21 का डाटा है और ये 2022 का डाटा है जिसमें टॉप 20 कंपनी है जो कि देखने को मिली है। 11 इसके अंदर दोस्तों 20 में से मुंबई के अंदर है, 4 अहमदाबाद में और 1 नोएडा के अंदर है, उसके बाद में दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता में देखने को मिली है। और ये मोस्ट वैल्यूएबल नॉन स्टेट कंट्रोल कंपनीज है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज है, दुनिया की मोस्ट वैल्यूड, ठीक है गाइज। चलिए, और कंपनी की जो रैंकिंग दी गई है वो किस हिसाब से दी गई, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दी गई है, यानी कि आपके शेयर की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टोटल शेयर्स कितने हैं, मार्केट वैल्यू आपकी, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको बोलते हैं ना, एम कैप जिसको हम लोग कहते हैं, कितने की कंपनी है, 20,000 करोड़ की है, 30,000 करोड़ की है, 50,000 करोड़ की है, उसके हिसाब से जो है ये बताया गया है, समझ गए। टोटल मिला के हमारे यहाँ पे जो सारी 20 कंपनीज को मिला लोगे तो उनकी वैल्यू पता है कितनी हो जाती है, $202 बिलियन है जो कि हो जाती है। हालांकि एलन मस्क जो है उसकी खुद की नेटवर्थ $250 बिलियन है, हमारी सारी कंपनीज मिला के भी $202 बिलियन की है, एलन मस्क की खुद की जो नेटवर्थ है वो $250 बिलियन के आसपास है, मतलब एक आदमी पूरी भारतीय कंपनी से भी ज्यादा पैसे लेके बैठा हुआ है, ठीक है। चले, और टॉप के ऊपर जो है वो दोस्तों $202 बिलियन की कंपनी के अंदर जो है वो टॉप के ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना, जिसको दुनिया में 34वीं रैंक है, जो कि रिलायंस RIL को रैंक जो मिली है दुनिया में 34वीं मिली है। तो ये देख सकते हो 11 जो बॉम्बे में है उसमें रिलायंस TCS HDFC है, 10 जो है वो, 4 जो अहमदाबाद है वो अडानी की है, चारों की चारों अडानी जी की 4 कंपनियां दुनिया की टॉप 500 में आ गई है और चारों अहमदाबाद के अंदर हेडक्वार्टर है। एक एक जो है आपको नोएडा से मिलेगी HCL, कोलकाता से मिलेगा ITC, पुणे से मिलेगा बजाज फिनसर, बेंगलुरु से इंफोसिस और दिल्ली से भारतीय एयरटेल, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो टॉप के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज है और जिसकी मैंने आपको सारी मिला के $202 बिलियन नहीं है, रिलायंस की अकेली वैल्यूएशन है, सॉरी एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे गलत दिया है, जो RIL की जो नेटवर्थ है ना, RIL की खुद की वो $202 बिलियन है। टोटल मिला के तो कैसे हो सकती है, ऑब्वियसली 20 कंपनी है, 20 बिलियन डॉलर की तुलना होगी, इतने तो अपने यहाँ पे फ्लिपकार्ट की वैल्यू है नहीं, ठीक है। रिलायंस की, एलन मस्क की रिलायंस से ज्यादा नेटवर्थ है ये बोल सकते हैं, क्योंकि रिलायंस $202 बिलियन की नेटवर्थ है और एलन मस्क की 200-250 के आसपास है, तो ये बोल सकते हैं पूरे कंपनी के नहीं, रिलायंस के लिए बोल सकते हैं कि भाई रिलायंस से ज्यादा है, क्योंकि रिलायंस की $202 बिलियन है। सेकंड नंबर पे बात करें जो है आपका TCS है, TCS की जो है वो $139 बिलियन है। तीसरे के ऊपर है HDFC की $97 बिलियन है, मतलब रिलायंस का मतलब है पूरे रिलायंस ग्रुप की बात करें, $200 बिलियन का रिलायंस ग्रुप, ऑलराइट। चलिए, और इसके बाद में फिर अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइज, अडानी टोटल ग्रीन, ये सारे के सारे भी मिला लोगे तो टोटल अडानी जो दुनिया के सेकंड नंबर के रिचेस्ट है आज के टाइम पे, उनकी भी कंपनी की वैल्यूएशन $173 बिलियन है। यानी कि अगर मैं अडानी और अंबानी को कंपेयर करूं तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है,
अंबानी जो कि पिछले 40-50 सालों से बिजनेस में हैं और 202 बिलियन डॉलर उनकी नेटवर्थ है उनकी सारी कंपनीज की। अडानी जो कि अभी 3-4 साल में ही कोविड के बाद नाम सुनने को मिला है और पहले भी लोग सुनते थे, डेफिनेटली वॉज ए वन ऑफ द बिगेस्ट टाइकून, बिजनेस टाइकून ऑफ द कंट्री, लेकिन दुनिया के टॉप 10, विदेश के टॉप 10 में भी कहीं वो नहीं था। अभी 179 बिलियन डॉलर के पास, साथ में सेकंड नंबर के ऊपर है वैसे अगर ग्रुप के हिसाब से बात की जाए तो। ठीक है चलिए, और तो ठीक है ये तो हो ही चुका है। इसके अलावा एप्पल ने दुनिया में टॉप किया है, ग्लोबली एप्पल दुनिया में टॉप पर है। कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन एप्पल का? एप्पल का है 2.4 ट्रिलियन डॉलर। 2.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ में नंबर वन पे एप्पल है। हमारे जीडीपी से थोड़ी बहुत कम है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर हमारे जीडीपी है। सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है, 1.8 ट्रिलियन डॉलर। माइक्रोसॉफ्ट गूगल को पीछे कर दिया उसने, और गूगल का जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है ना, वो थर्ड के ऊपर है, उसके बाद अमेजॉन एंड सो ऑन। ठीक है गाइज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए जनसत्ता की बात करें तो फर्स्ट पेज पे है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया के 20,000 पेड़ काटने की मंजूरी है जो कि दे दी है। अब आप बोलोगे सर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही केस कैसे चला गया? देखो होता क्या है कि अगर जब हम लोग मैंग्रोव के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट के लिए, तो मैंग्रोव को काटना ऐसा अलाउ नहीं होता, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों परमिशन जो कि दी है, हालांकि जो बॉडी है नेशनल हाई स्पीड रेल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, इसने बोला है कि हम लोग अगर 20,000 पेड़ काट रहे हैं तो उसके 3 गुना यानी कि 60,000 ट्री है जो कि क्या करेंगे, प्लांट करेंगे, ये इनका कहना है। ओके अब मुंबई और अहमदाबाद के बीच में आपको मालूम है बुलेट ट्रेन बन रही है, बुलेट ट्रेन बन रही है तो उसके लिए जगह चाहिए, जगह के लिए दोस्तों ये बीच में आ रहे थे, तो इनको 20,000 पेड़ काटने की मंजूरी है जो कि मुंबई पालघर और थाने के अंदर है जो कि दी है। तो मुख्य न्यायाधीश जो है उन्होंने दोस्तों ये फैसला है जो कि सुनाया है 2018 के अंदर दोस्तों, एक एनजीओ के द्वारा ये पेटिशन जो कि दायर करी गई थी जिसमें उस एनजीओ के द्वारा बोला गया था कि ये लोग जो पेड़ लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, कितना डेवलपमेंट होगा, ये जो पूरा पेड़ काटने के बाद की जो रिसर्च स्टडी है ना वो इन्होंने बिल्कुल भी रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई है। तो वो पता होना बहुत जरूरी है कि इसके कितने इंपैक्ट होंगे, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, तो रिपोर्ट की बात करी थी। ओके तो वो रिपोर्ट है जो कि इन्होंने दी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो है बोल दिया है कि आप अलाउ कर दिया गया है। एक्चुअली मैंग्रोव एरिया के 50 मीटर तक का जो भी दायरा होता है ना उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन कुछ भी करने का अलाउ है जो कि नहीं होता है, और सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना आप इसको हिला भी नहीं सकते हो। ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बुलेट ट्रेन की बात करें तो अभी तो अहमदाबाद से बॉम्बे जाने में 6-6.5 घंटे लगते हैं, उसको रिड्यूस करके 2.5 घंटे के अंदर पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट है। ऑलराइट चलो यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट, 5,000 करोड़ रुपए गुजरात, 5,000 करोड़ रुपए मुंबई देने वाला है। 50:25 का रेशियो है जो कि यहाँ पर है। इसके अलावा है ना, और अभी तक का कॉन्ट्रीब्यूशन में 2,500 सेंट्रल गवर्नमेंट दे चुका है, गुजरात भी दे चुका है 105 करोड़, और महाराष्ट्र ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 1,00,000 करोड़ के आसपास की है, 1,00,000 करोड़, 1.1 लाख करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है। 350 किलोमीटर पर आर के इसकी स्पीड होगी, जर्नी दोस्तों 2.5 से 3 घंटे की होगी जिसके अंदर है ना, और 2 आर की जर्नी है 2 से 2.5 घंटे की। सिटिंग कैपेसिटी 750 पैसेंजर की है और 1250 तक भी इसको ऐड किया जा सकता है। डेडलाइन जो थी वो 2022 थी लेकिन 2022 को गए हुए भी, अभी 15 अगस्त 2022 इसकी डेडलाइन थी लेकिन अभी तक तो जमीन के ऊपर ही बातचीत चल रही है। अभी कम से कम मुझे लगता है कि 5-10 साल तो और लग ही जाएंगे इस प्रोजेक्ट को। ठीक है चलिए, कॉरिडोर का कंप्लीशन आप देख सकते हैं 92% है, और 21 किलोमीटर के टनल भी बनाए गए, 7 किलोमीटर जो है वो बिलो एरिया भी बनाया गया है। साबरमती अहमदाबाद से स्टार्ट हो गए कुछ इस तरीके से, 11 स्टेशन है जो कि इसमें रखे गए हैं। 2015 के अंदर दोस्तों जापान और इंडिया के बीच में एमओयू साइन किया गया था, जापान ने ये लोन है जो कि भारत को दिया था क्योंकि जापान को लोन देने की जरूरत थी। जापान ने जो लोन दिया था दोस्तों वो उसको बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट के ऊपर है जो कि पैसे में लोन है जो कि भारत को दिया था, तो उसको देने में दिक्कत नहीं आई। और चाइना के अंदर जो जापान के अंदर बहुत ही फेमस है ना, शिनकेंसन नाम की दोस्तों जो ट्रेन चलती है वो बहुत ही फेमस है जापान में, तो गोली की स्पीड से ट्रेनें भागती है मतलब, तो और बहुत पहले से मतलब ये पैन भी नहीं लेगा उनकी ट्रेन की, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पर आर की स्पीड चलेगी तो वो वाली बात है। तो उसी का मॉडल है जो कि इंडिया के अंदर जापान के द्वारा कुछ साथ में मिलकर जो कि हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है
चलिए 508 किलोमीटर का टोटल प्रोजेक्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट बता चुका हूं, 27 किलोमीटर का टनल है, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। चलो 2 से 2.5 घंटे के आसपास है जो कि यहाँ पे टोटल टाइम लगेगा। अब इसका जर्नी जो है वो दिसंबर 2023 तक का टाइम है, यानी कि एक साल और है जो कि बढ़ा दिया गया है। देखते हैं एक साल में होगा कि दो साल में होगा, कितने साल में होगा। ठीक है चलो ऑल राइट। ये हमारा दोस्तों पूरा मैंग्रोव रीजन है, पूरे सदर्न वाला पार्ट जो है यहाँ पे मैंग्रोव आपको देखने को मिलेंगे। चलो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पेपर का कोई रिलेशन नहीं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनने की कोशिश करिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप समझिए किस तरीके के लोग जो है वो पेटिशन दायर कर देते हैं। एक यूट्यूबर यूट्यूब से परेशान होकर एक बंदे ने जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है जो कि दे रहा था लेकिन उसमें फेल हो गया, भाई साहब ने क्या किया सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगा दी, बोला यूट्यूब को से मुआवजा है जो कि मुझे चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बताइए क्यों चाहिए सुप्रीम यूट्यूब से, क्या आपका पेपर यूट्यूब से क्यों नहीं निकला है। भाई साहब बोलते हैं कि यूट्यूब की वजह से मेरा डिस्ट्रैक्शन हुआ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा खराब कंटेंट है जो कि मुझे देखने को मिला, उसके वजह से मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम है जो कि क्रैक नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक काम करो तुम इधर आओ, पहले तो फर्जी पेटिशन लगाने के लिए तुम्हारे ऊपर हम पहले तो 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगा रहे हैं। तो वो बोला सर जुर्माना किस बात का, बोला अगर एक पहली बात तो कि तुम YouTube देखते क्यों, किसने कहा है तुम्हें देखने के लिए, दूसरा ये कि YouTube पे जो कंटेंट आ रहा है उसको आप देख क्यों रहे हो, तो एक तो आप खुद तो मोबाइल फोन लेके YouTube पे जा रहे हो, दूसरा जो वहाँ पे कंटेंट है वो भी आप खुद देख रहे हो इसीलिए YouTube आपको दिखा रहा है, क्योंकि जैसा कंटेंट आप देखते हो YouTube आपको वैसा दिखाता है, समझ गए। तो इसका भाई साहब का ये कहना था कि कई सारे अश्लील प्रोग्राम है जो कि मेरे को यहाँ पे YouTube के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिससे मेरा डिस्ट्रैक्शन हुआ उससे मेरा एग्जाम नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1,00,000 रुपये का फाइन ठोका, तब जाके उसको समझ आई कि ये क्या कर दिया मैंने, बोला सर मैं तो गरीब आदमी हूँ ऐसे वैसे इतने पैसे नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला फाइन कम कर देते हैं लेकिन तेरे को फाइन लगाएंगे जरूर, ऐसा हमारा टाइम खराब करने के लिए। तो 25,000 रुपये का फाइन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे सॉरी भी जो है वो बुलवा दिया है। ओके ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 32 के तहत सबसे जो खराब पेटिशन आती है ना उसमें से एक खराब पेटिशन है जो कि ये देखने को मिली है। यूट्यूब से पैसे ले रहा है बताओ। आगे बात करते हैं, चलो अभी क्या हुआ था दोस्तों कि एक योजना है जिसका नाम है डियर मून, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि एक स्पेस क्राफ्ट है स्पेस एक्स के साथ में, जापान के अरबपति है जिसका नाम है सुयाकू जो है पहले भी जा चुके हैं स्पेस के अंदर, अब 8 और लोगों के साथ में स्पेस में जाने वाले हैं। अब जाने वालों के अंदर दोस्तों हमारे एक बालवीर जो जो हमारे यहाँ पे टेलीविजन में एक सीरियल आया करता था उसके काम करने वाले देव जोशी करके एक अभिनेता है वो भी इसके अंदर शामिल है जो कि हो चुके हैं। गॉड नोज किस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन किया है क्या किया है, और भी बहुत लोग हैं, कोरियाई गायक है TOP, अमेरिका DJ है, फिल्म निर्माता है ब्रेंडन हॉल, यूट्यूबर है टिम टॉड है ना, और भी कुछ लोग है, फोटोग्राफर है करीम, ऐसे कई लोग हैं जिसमें इंडिया के भी दोस्तों एक अभिनेता देव जोशी है जो कि चंद्र यात्रा पे जो है वो जाने वाले हैं। पैसे वैसे सब कुछ जो है वो जापान के बिजनेसमैन के द्वारा ही जुगाड़ किया गया है, पैसे भी नहीं लग रहे। ठीक है प्रदीप, UORO के करंट अफेयर के लिए ये बहुत सफिशियंट है, साथ में UORO की आप तैयारी कर सकते हैं क्लास 24 पे, वहां पे आपके पार्ट B और पार्ट A दोनों की प्रिपरेशन है जो कि चल रही है क्लास 24 पे, तो वहां पे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं, फेडरल रिजर्व की दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो भारतीय मूल की दोस्तों एक महिला बनी जिनका नाम है सुष्मिता। पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक जो कि जैसे हमारे यहाँ पे RBI वैसे US में फेडरल बैंक है, तो फेडरल बैंक की जो प्रथम उपाध्यक्ष है जो कि इनको बनाया गया है, भारतीय मूल की है, इंडियन ओरिजिन की है, रहती है अमेरिका के अंदर ही है। ठीक है 54 ईयर की, न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक के निदेशक मंडल में इनको उपाध्यक्ष है और मुख्य परिचालन अधिकारी भी जो नियुक्त है जो कि किया गया है। ठीक है इस फेडरल रिजर्व की बात करें 1913 में फॉर्मेशन हुआ, पावेल जो कि अभी इसके चेयरपर्सन है। ऑलराइट चलिए आगे बात करते हैं, PT उषा के बारे में पहले भी बता चुका था मैं आपको कि पहली भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव के अंदर आधिकारिक रूप से पहली महिला अध्यक्ष जो कि है दोस्तों बन गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 95 ईयर के अंदर कोई महिला है जो कि अध्यक्ष बनी है, स्पोर्ट्समैन ही दोस्तों दूसरी बार बने हैं एक्चुअली के अंदर है ना। इससे पहले जो स्पोर्ट्समैन बने थे वो महाराजा यादविंद्र सिंह थे जो कि 34 से में जिन्होंने टेस्ट मैच खेला था, 38 से 60 के बीच में जो है वो अध्यक्ष रहे थे। 95 के इस साल के इतिहास के अंदर पहली बार दूसरी बार कोई खिलाड़ी और पहली बार कोई महिला है जो कि अध्यक्ष बनी है। आगे बात करते हैं, गांव के अंदर जो है विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए दोस्तों अभी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन किया गया है,
पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बोला गया है कि गांव के अंदर हर जगह पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि हमारे ओलंपिक के अंदर मेडल है जो कि थोड़े आ सके। बहुत ही बुरे हालात है हमारे गांव के अंदर स्पोर्ट्स के। तो आपको मालूम है स्पोर्ट्स जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करे, ग्राउंड बनाना, वहाँ पे कैंप चलाना, ट्रेनिंग करवाना, है ना, रिहैबिलिटेशन कैंप करना, इंजरीज का ध्यान रखना, वहाँ पे फैसिलिटीज देना, कोचेस देना, तो ये सारा स्टेट का काम होता है। अब हमारी इतनी ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस है ओलंपिक के अंदर कि क्या बताएं, इतने 150 करोड़ की जनता, 140 करोड़ की जनता हो गई है, मेडल जो है वो 140 छोड़िए 14 भी नहीं आ रहे हैं। तो मतलब इससे खराब परफॉर्मेंस पूरी दुनिया में किसी भी देश की नहीं है इतनी पॉपुलेशन लेने के बाद में भी। ओके, पूरी मतलब हमारी इकोनॉमी की बात करें $3 trillion के आसपास इकोनॉमी पहुंच गई है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए का बजट हमारे स्पोर्ट्स का है। मतलब 11,000 करोड़ का बजट, इतने पैसे तो ऑस्ट्रेलिया का, मैंने बताया था ना कि जो एक स्टेट है ना वहाँ के, वो एक स्टेट खर्च कर देता है स्पोर्ट्स के ऊपर। और हम लोग इतना बड़ा कंट्री हो के कोई इंफ्रा नहीं है, कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है गाँव और शहरों में। शहरों में तो चलो फिर भी आपको थोड़ा बहुत स्टेडियम मिल जाएंगे, कुछ आपको अकेडमीज मिल जाएगी, गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बेचारे, और 70% 60% गाँव के अंदर हमारा देश बसता है। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग खेलने वाले हैं लेकिन फैसिलिटीज नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पे आगे बढ़ नहीं पाते। वरना हमारे यहाँ पे 150 की स्पीड से बॉल फेंकने वाले बॉलर नहीं है क्या? बहुत है यार। मेरे को याद है जब मैं छोटा था और मैं मेरे गांव में जाया करता था खेलने के लिए, तो मैं तो क्या स्टेडियम में खेलने वाला प्लेयर था। ओके, गांव में आते थे, इतना सा रनअप लेकर इतनी तेज बॉल फेंकते थे, लेदर बॉल, सच बता रहा हूँ, ऐसे बैट उठाते ऐसे निकल जाया करते थे। तो मैंने काफी ट्रेन, मैं तो सवाई स्टेडियम में बहुत साल खेला, प्रोफेशनल क्रिकेट खेला मैंने, लेकिन जब मैं गांव जाके देखता था कि बॉल ऐसे पैर आगे लेके आते हैं और गोली की स्पीड से निकल रही है, हवा भी लग रही है, तो मैं देखता था कितना टैलेंट है। और ये मैं बचपन की बात बता रहा हूँ आपको, वहाँ के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे टूर्नामेंट होते थे, वहाँ पे खेलता था मैं। ओके, और मैं स्टेडियम में नहीं देखा इतने फास्ट बॉलर कभी भी, और लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा कि लोग इतना सा रनअप ले रहे हैं बुमराह की तरह, और मतलब बॉल पता नहीं लग रही कब निकल रही है। और फिर लोग मजाक भी उड़ाते थे कि देखो जयपुर से क्रिकेटर आया है। फिर थोड़ा सा फिर ट्रिक लगानी पड़ती थी, फिर ऐसा लगता था कि भाई कट मारो, पीछे शॉट मारो, पीछे मार दो, ऐसे करके खेलना पड़ता था क्योंकि सामने तो इतने फास्ट बॉलर होता था कि बहुत ही मुश्किल होता था उसको मारना। तो पीछे शॉट मारना, फ्लिक मारना, कट मारना, ऐसे करके रन बनाने पड़ते थे, तब जाके इज्जत बचती थी मतलब जयपुर की। वाली बात है, तो बहुत टैलेंट छुपा हुआ है यार, लेकिन क्या करें, मतलब फैसिलिटीज नहीं है। ओके, तो रिसेंटली लास्ट ईयर जो है एक स्कीम भी लॉन्च करी गई थी, नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च। ओके, इस स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा, साई के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया था ताकि हमारे यहाँ पे टॉप्स जो स्कीम है ना, पोडियम, मतलब स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च, ये नेशनल सेंटर है जो कि बनाने की बात बोली गई, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्पोर्ट्समैन का ध्यान रखेंगे, उनके फिजिकल लाइफस्टाइल, उनका बिहेवियर, उनको एंकरेज करना, उनके इंजरी का ध्यान रखना, इस तरीके से। और भी कई सारे प्रोग्राम लॉन्च करे गए, फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, खेलो इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, टॉप्स नाम की योजना लॉन्च करी गई जिसमें पोडियम हमारे ओलंपिक में बच्चे तैयार करने के लिए बोला गया, मिशन ओलंपिक 2024 लॉन्च किया गया है ना, जिसमें हम लोग क्या कितना हमने 50 मेडल का टारगेट है जो कि 2024 में बनाया है, 50 मेडल का टारगेट। ओके, आगे बात करते हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के पावर को डबल करने को लेकर है। देखो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने बोला है कि आने वाले 5 सालों के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा उसमें 90% जो है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी का काम होने वाला है, जिसमें इंडिया भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। ऑलराइट, आज के टाइम पे एनर्जी के क्राइसिस है क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई है, क्रूड ऑयल, गैस, ऑयल, इनकी भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएगी, जिसमें यूएस, चाइना और इंडिया, ये अपना डबल है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन है जो कि आने वाले 5 सालों में करने वाले हैं। यानी कि पूरी दुनिया में 2/3 जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वो यूएसए, चाइना और इंडिया के अंदर होगा, ये डाटा है जो कि बताया गया। अब इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम बताया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए आपको पैनल चाहिए होते हैं, पैनल बनाने वाला चाइना है, प्रॉब्लम ये है। जैसे कि हमारे यहाँ पे मेडिसिन तो हम बना लेते हैं लेकिन मेडिसिन के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं वो चाइना से आते हैं, वो सेम समस्या है। तो फोटोवोल्टेलिक दोस्तों जो ये सप्लाई चेन है ना वो चाइना ही दोस्तों इसको डोमिनेट करने वाला है, तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है जो कि हमारे लिए है, मतलब ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हमारे लिए हमारे द्वारा तो कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च करे गए, जैसे कि नया मंत्रालय बनाया गया न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, COP26 में हमने 50% कमिटमेंट भी दिया है,
पीएलआई स्कीम लॉन्च करी ताकि प्रोडक्शन हम लोग यहां पे कर सके, इंसेंटिवाइज कर सके। नेट जीरो इमिशन 2070 तक का टारगेट दिया है और 110 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए हमने दोस्तों अभी तक के बोला था, जो कि हम लोग कर भी चुके हैं, ज्यादा कर चुके हैं। आगे बात करते हैं वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल, जो कि 2022 का भी रिसेंटली राज्यसभा में पास किया गया। इसके अंदर दोस्तों वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए हमने कई सारी चीजों को एड ऑन किया है, समझ गए। वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है ना, उसी के अंदर हमने चेंजेस करके कुछ चीजें एड ऑन है जो कि करी है। पहली बार वाइल्ड लाइफ के बारे में बात हुई थी 1887 के अंदर, समझ गए, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये लॉ लाया गया। सेकंड बार 1912 में लाया गया, फिर 1960 में। फाइनली जो हमारा जो है लॉ वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, जिसको हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 है जो कि कहते हैं, समझ गए। स्टेट में था पहले फॉरेस्ट, उसको हमने कॉन्करेंट के अंदर है जो कि शिफ्ट किया था, डन है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हंटिंग को रोके, मैन और ह्यूमन, मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट को रोके, वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करे, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए, पॉपुलेशन उनकी बढ़ाए, हमारे बायोडायवर्सिटी में ध्यान रखें। हमारे दोस्तों आर्टिकल 48 में 51 में है ना, ये सब हमारे वाइल्ड लाइफ को लेकर बोल रखा है हमने, ओके। तो इसके अंदर बोला गया कि हम लोग जो साइट्स हैं इसके प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ में हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। साथ में पहले क्या हुआ करता था कि कैटेगरी जो हमारे शेड्यूल्ड, हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसमें कैटेगरी जो है वो 6 हुआ करती थी, अभी हम उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि एक तो हो गया शेड्यूल 1, जहां पे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है, शेड्यूल 2 जहां पे थोड़ा कम प्रोटेक्शन मिलता है, शेड्यूल 3 प्लांट स्पीशीज थोड़े प्रोटेक्टेड होते हैं, और शेड्यूल 4 के अंदर हम लोग साइट्स वाले जो थ्रेटेंड होते हैं वो हम लोग यहां पे डालते हैं। तो ये 4 तरीके से हम लोग 6 को 4 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है गाइस। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्या है कि जो एलिफेंट वाला कंसर्न है ना, उसमें अदर एनी अदर पर्पस लिखा हुआ है, तो कमर्शियल ट्रेड एलिफेंट और एलिफेंट से कि जो बाकी चीजें हैं उसको लेकर एक चांस अलग है, क्योंकि एनी अदर का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना। इसके अलावा यहां पे ज्यादा ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात नहीं हुई है, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी जो है उनके द्वारा थोड़ा और जो बिल है उसको थोड़ा इनकम्प्लीट है जो कि बताया गया है। जो भी इसके रिसर्च स्कॉलर्स है उनके द्वारा कहा गया कि थोड़ा और इसको इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है। आगे बात करते हैं, मैंने कल आपको एक चीज बताना भूल गया था, नेशनल पार्टी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। आज याद है हमने बात करी थी नेशनल पार्टी को लेकर, तो उसके एडवांटेजेस नहीं बताए थे मैंने, तो एडवांटेजेस भी होते हैं कुछ, ध्यान रख लो। एक तो आपको रिजर्व्ड सिंबल मिलता है आप पूरे देश में लड़ने के लिए, आपको जमीन भी मिलती है दिल्ली में हेडक्वार्टर बनाने के लिए, आपको सिर्फ कैंडिडेट को एक प्रपोजर नॉमिनेशन फिल करने के लिए देना पड़ता है, अभी तो 2 लोगों को चाहिए होते हैं आपको नॉमिनेट करने के लिए किसी भी बंदे को, फिर एक ही चाहिए होता है अगर आपकी नेशनल पार्टी बन जाती तो। आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिलता है दूरदर्शन के ऊपर बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो पे इलेक्शन के टाइम पे, 40 स्टार कैंपेनर जो है आप उतार सकते हो, और स्टार कैंपेनर का खर्चा आपके अकाउंट में उस बंदे के अकाउंट में ऐड नहीं होता है। तो ये कुछ फायदे हैं अगर आपकी नेशनल पार्टी बन जाती है तो। जैसे आम आदमी पार्टी 9वीं देश की नेशनल पार्टी है जो कि बन गई है, ठीक है। ये मैंने नेशनल पार्टी होती क्या है उसके क्राइटेरिया और स्टेट पार्टी क्या होती है उसके क्राइटेरिया लिख दिए, इसको पीडीएफ से पढ़ लेना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है गाइस। एक ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी भी रिसेंटली करी गई है जिसमें WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा, ताकि हम लोग हेल्थ को आने वाले टाइम पे पेंडेमिक को बचा सके, तो 2023 से इसकी शुरुआत है जो कि करी जाएगी, ठीक है। और इसका टाइटल दिया गया है द वर्ल्ड टुगेदर, तो हम लोग इस ट्रीटी के अंदर आने वाले टाइम पे पेंडेमिक से बचा सके अपनी दुनिया को, उसको लेकर काम है जो कि किया जा रहा है। आर्टिकल 19 जो है WHO का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर ये बात बोली गई है कि हम लोग हमारे हेल्थ के मैटर को लेकर कोई भी इस तरीके से ट्रीटी है जो कि कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये सारे के सारे ट्रीटीज है, 5 रीजन इसके लिए बहुत जरूरी होते हैं, हर किसी को मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। त्रिपुरा की डिमांड को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, त्रिपुरा के अंदर क्या है कि देखो जो त्रिपुरा की जो लोकल कम्युनिटी है ना, जो लोकल ट्राइब है, वो क्या हुआ कि जब बांग्लादेश से कई सारे लोग 1971 वॉर के बाद में बांग्लादेश से त्रिपुरा में आ गए थे, बॉर्डर टच होती है, तो वहां की लोकल कम्युनिटी तो कम हो गई और बाहर के बढ़ गए, तो अब वो ये बोलते हैं कि भैया हमें त्रिपुरा के अंदर भी एक अलग से स्टेट है जो कि बना के दे दो, ताकि हम हमारी कम्युनिटीज के वेलफेयर को लेकर थोड़ा ध्यान रख सके। तो ये उनका कहना है, जंतर मंतर पे दिल्ली पे प्रोटेस्ट भी हो रहा था, उनका कहना था कि हमारा ग्रेटर त्रिपालैंड का फॉर्मेशन है जो कि किया जाना चाहिए, ताकि इंडिजिनियस कम्युनिटी के राइट से जिसको हम लोग बचा सके। तो आर्टिकल 19 के अंदर नोटिफिकेशन में यही बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात होती है, आर्टिकल 2 के तहत स्टेट का फॉर्मेशन होता है, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 इससे नए स्टेट का फॉर्मेशन, बाउंड्री, नेम, ये सारे काम होते हैं। तो देखिए सेंसस में इनकी पॉपुलेशन जो नियर बाय 6 लाख के आसपास है जो कि बताई गई है, सबसे ज्यादा त्रिपुरीज है यहाँ पे, उसके बाद में ब्रू और रियांग कम्युनिटी ट्राइबल बेल्ट है जो कि आपको देखने को मिलती है, ठीक है गाइस। यहाँ पे मनिक्या डायनेस्टी के लोग है जो कि रूल किया करते थे 13th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक, ऑलराइट।
जब बंगाल का डिस्प्लेसमेंट हुआ 47 से 91 के बाद में इनकी पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो पहले 63% थी और अभी जो है 100 साल बाद में 150 साल बाद में 31% रह गई है। तो ये माइनॉरिटी के अंदर हो गए हैं इसलिए इनका ये डिमांड है एक्चुअली में। ठीक है गाइस, नॉर्थ ईस्ट में इसके अलावा और भी कई सारे स्टेट के फॉर्मेशन का डिमांड है, जैसे कि आसाम में बोडोलैंड है, ग्रेटर नागालिज्म है और एक और मेघालय का भी ट्राइबल ऑटोनॉमी मेघालय का है। नई रोशनी स्कीम दोस्तों लॉन्च करी गई थी जिसमें 4.5 लाख लोगों को बेनिफिट पहुंचाया गया है। ये एक्चुअली क्या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के द्वारा लॉन्च करी गई थी, जो महिलाएं हैं ना माइनॉरिटी कम्युनिटीज की, उनको हम लोग ट्रेन कर सके, स्किल कर सके, उसको लेकर ये नई स्कीम लॉन्च है। स्कीम है नई रोशनी स्कीम जो कि लॉन्च करी गई थी। 5 दिन की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग और 6 दिन की नॉन रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि इसमें 18 से 65 की एज के बीच में कंडक्ट करे जाते हैं ताकि महिलाओं को हम लोग अलग अलग तरीके से ट्रेन है जो कि अलग अलग डोमेन में कर सके। ठीक है, 5 वोकैबुलरीज की बात करें, प्रिवेलिंग का मतलब होता है जो बहुत ही प्रचलित होता है, दूसरा है ना डेलिजिटेमाइज, ठीक है क्या हो गया डेलिजिटेमाइज, ठीक है हाँ ठीक है डेलिजिटेमाइज है ना, डेलिजिटेमाइज का मतलब है टू मेक समथिंग नॉट वैलिड और नॉट एक्सेप्टेबल, तो कोई भी चीज को जिसको हम लोग वैलिड नहीं और एक्सेप्टेबल नहीं बना सके उसको हम लोग डेलिजिटेमाइज है जो कि कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। काउंटर ब्लास्ट, काउंटर ब्लास्ट का मतलब है तीव्र, बहुत ही, जब आप बहुत तेज अटैक करते हो किसी भी चीज के ऊपर। ट्रेंचेंट का मतलब होता है फोर्सफुली कोई काम करवाना। रिप्रीव का मतलब है किसी को माफ कर देना। ठीक है, अवतार बैच CHSL का 999 रुपीज में आपको मिल जाएगा, जहां पर कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है जो कि करवा रही है। मंडे से दोस्तों क्लास लॉन्च हो रही है तो ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम क्रैक करने के अंदर। ठीक है, आपको ये क्लास 24 ऐप डाउनलोड करनी है, यहाँ पे जाना है SSC में, यहाँ पे CHSL में और फिर यहाँ पे अवतार बैच में। ठीक है, ELP का बैच लॉन्च हो चुका है, ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको इसकी क्लास 24 पे मिल जाएगी। स्माइल फॉर ऑल को ज्वाइन कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। पहला सवाल आज का जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित है और दूसरा वाला आपके दोस्तों वो भी उससे से ही संबंधित है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड